नहीं तो लालू से करता है या लालू जी को नहीं चाहता है, वो नीतीश जी को वोट पहले करता रहा, उसमें कुछ काम होता, सुधार होता, लोगों को दिखा। 2010 में 206 सीट जीतने वाले नीतीश कुमार एनडीए, लेकिन 2014 के बाद से नीतीश जी के राज में सुशासन का वो चीज देखने को नहीं मिला। आप देख रहे हैं केवल नीतीश कुमार और जेडीयू की चर्चा खूब चल रही है और माना जा रहा है कि जेडीयू में जो ललन सिंह का इस्तीफा और नीतीश कुमार अध्यक्ष पद पर भी ताजपोशी हुई है, ये सब आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में जेडीयू के जनाधार को बढ़ाने यानी नीतीश कुमार के नाम पर वोट लेने की कोशिश है। इस पर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पोल खोलते हुए कहा कि अभी तक नीतीश कुमार को जो वोट मिलता है उसकी दो वजह है। पहली बात कि जो नीतीश कुमार को वोट देता है उसकी मुख्य वजह है जो लालू यादव के खिलाफ वोट देता है। दूसरी मुख्य वजह है कि साल 2005 से 2012 तक नीतीश कुमार जो सरकार यहां पर उसमें कुछ काम होता या सुधार होता हुआ लोगों को दिखाई दिया, इस वजह से सुधारवादी लोगों ने भी उनको वोट दिया। लेकिन 2014 के बाद से नीतीश कुमार के राज्य में सुशासन जैसी वो बात देखने को नहीं मिली, इस वजह से साल 2006 के विधानसभा चुनाव में 206 सीटें जीतने वाले नीतीश कुमार और एनडीए को 2015 में 125 सीट जीतने में भी मुश्किल हुई। दरभंगा शहर में जन संवाद के दौरान प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि वोट सिर्फ जाति के आधार पर नहीं होता, अगर जो एनडीए चुनाव लड़ी थी साल 2010 में वही एनडीए चुनाव लड़ी 2020 में तो उनकी सीटें 206 से घटकर 120 कैसे हो गई? यही बात तो हम आपको बताना चाह रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की जो राजनीति है, जो उनका वोट है, वो लालू यादव के विरोध पर, लालू यादव के जंगल राज के विरोध पर ही खड़ी रही है। इसमें जो एडिशन हुआ, आगे बढ़े तो कुछ लोग और जुड़े होंगे। नीतीश कुमार का जो मूल वोट है वो लालू यादव के विरोध का है, जो लालू यादव से डरता है या लालू यादव को नहीं चाहता वो नीतीश कुमार को पहले वोट करता रहा है। सुनिए प्रशांत किशोर ने आगे और क्या कहा। नीतीश जी को दो वजहों से वोट मिला है। पहली बात, जो नीतीश कुमार को वोट देता है उसका मेन वोट वही है जो लालू जी के खिलाफ वोट देता है, और दूसरा 2005 से 2010-12 तक उनकी जो सरकार यहाँ चली उसमें कुछ काम होता, सुधार होता, लोगों को दिखा, तो वो सुधारवादी लोग भी उनको वोट दिया उन लोगों ने। लेकिन 2014 के बाद से नीतीश जी के राज में सुशासन का वो चीज देखने को नहीं मिला। इसीलिए आप देख रहे हैं कि किसी 2010 में 206 सीट जीतने वाले नीतीश कुमार एनडीए 2020 में जब चुनाव हुआ तो उनको 125 सीट भी जीतने में मुश्किल आई। तो सिर्फ जाति के आधार पर वोट नहीं है। अगर सिर्फ जाति के आधार पर वोट होता तो जो एनडीए चुनाव लड़ी थी 2010 में वही एनडीए चुनाव लड़ी 2020 में, तो फिर उनका 206 से घट के 120 कैसे हो गया? यही बात तो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की जो पूरी राजनीति है, जो उनका वोटर है, वो लालू विरोध पर, लालू जी के जंगल राज के विरोध पर ही खड़ी रही है। उसमें एडिशन जैसे जैसे वो आगे बढ़े तो कुछ और लोग जुड़े होंगे, लेकिन मूल वोट जो उनका है वो लालू विरोध का वोट है, जो लालू से डरता है या लालू जी को नहीं चाहता है वो नीतीश जी को वोट पहले करता रहा है।